The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. All right. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Atif Kamran, and I am signing in from London tonight. First of all, I really appreciate कि आज आप सब लोग आए आज के वेबिनार पे और आज मैं देख रहा हूँ is a huge number of people on the webinar. और ये चीज शो करती है कि आप सब लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमारे बिजनेस के लिए और स्पेशली सुपर सैटरडे वेबिनार के लिए. एंड वेबिनार के अंदर मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग मौजूद हैं, एशिया में पाकिस्तान से लोग हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं और इसके अलावा मलेशिया से हैं, इंडोनेशिया से कुछ लोग मैं देख रहा हूँ और मिडल ईस्ट के अंदर और कुछ कंट्रीज और भी मिडल ईस्ट के अंदर. आई कैन सी के हमारे पास दुबई से लोग हैं मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, इजिप्ट से कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ और कंट्रीज हैं. यूरोप में स्लोवाकिया से लोग हैं हमारे पास, यूके से लोग हैं, जर्मनी से लोग हैं, फ्रांस से लोग हैं और चंद और कंट्रीज जिसमें से छोटी छोटी तादाद है अटेंडीज की. सो दैट्स फैंटास्टिक एंड दैट्स मेक्स मी वेरी एक्साइटेड के हमारा जो सुपर सैटरडे वेबिनार है अक्रॉस द वर्ल्ड कितने सारे लोगों को हेल्प कर रहा है. दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग ऑन बोर्ड एवरी सिंगल वीक. और आई होप कि इस वेबिनार से आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपके बिजनेस में. वो लोग जो आज के वेबिनार पे जो ब्रांड न्यू हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम में भी आज के वेबिनार पे शिरकत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस के सुपर सैटरडे वेबिनार इज नॉट फॉर ब्रांड न्यू पीपल. जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिनको बिजनेस के बारे में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, मे बी आपको किसी आपके दोस्त ने इनवाइट किया हो आज के वेबिनार पे. अगर ऐसा है तो यू आर स्टिल वेलकम, लेकिन ये वेबिनार शायद आपके लिए नहीं था. सो इस वेबिनार में मे बी जो हम हाई लेवल की ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, मे बी कुछ लोगों के समझ में नहीं आए वो. अगर ऐसा होता है तो डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है. यू कैन स्टिल ज्वाइन आवर वेबिनार एंड वेलकम ऑन बोर्ड एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं. और आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस वेबिनार के बाद, काइंडली आप उन साहब से, उन दोस्त से रब्ता कीजिए और उनसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि जिन्होंने आपको आज के वेबिनार पे इनवाइट किया है. आज का वेबिनार एवरी सैटरडे जैसे हम करते हैं, ये हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए होता है जो कि ऑलरेडी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं और बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और वो फर्दर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग स्किल्स को हासिल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आज के वेबिनार पे ज्वाइन करते हैं एवरी सिंगल सैटरडे. सो दिस इज द लिटिल स्टेटमेंट जो कि मुझे पास करना जरूरी है ताकि आपको मालूम रहे कि पर्पस और गोल क्या होता है हमारे सुपर सैटरडे वेबिनार का. आज का वेबिनार खास है स्पेशली इस वजह से कि आज हमने एक स्पेशल मेहमान को, एक गेस्ट को दावत दी है टू ज्वाइन विद मी, जिनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ी देर में आपके साथ करूंगा. और सो दैट कि हम उनसे, वो भी हमारे यूनाइको के मेंबर ही हैं ऑफकोर्स और सीनियर मेंबर हैं एंड बहुत सक्सेसफुल मेंबर है यूनाइको के और रिसेंटली उन्होंने बहुत मतलब बड़ी सक्सेस हासिल की है. तो उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से फायदा उठाने के लिए हमने आज उनको इनवाइट किया है ताकि अपना एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको भी बेनिफिट दे सकेंगे. उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज के वेबिनार पे शेयर करने के लिए आपके साथ मेरे पास है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह. सबसे पहली चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा आज के वेबिनार पे एंड वो ये है कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे जो OFCs का टाइमिंग है प्रमोशन की, वो खत्म होने जा रही है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, 31st of February लास्ट डेट रहेगी OFC प्रमोशंस की. 31st of January 31st of January midnight 12 o'clock GMT, Greenwich Mean Time, जो कि UK का टाइम है बेसिकली. उस वक्त तक जितने भी हमारे मेंबर्स ग्लोबली ब्रॉन्ज या गोल्ड स्टेटस हासिल कर चुकेंगे, उनको कंपनी की तरफ से जो अवार्ड मिलता है OFCs की सूरत में, वो मिलता रहेगा 1st of February से, मतलब 12 बजे के बाद, रात 12 बजे GMT के बाद, Greenwich Mean Time जिसे बोलते हैं,
जो लोग ब्रॉन्ज या गोल्ड स्टेटस अचीव करेंगे, ऑफ कोर्स उनको हमारे जो प्रोडक्ट पैकेजेस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी। लेकिन उसके अलावा कंपनी ने एक नया रिकग्निशन प्लान डिजाइन किया है, जो कि आपको 1 फरवरी से जितने भी मेंबर्स ब्रॉन्ज या गोल्ड मेंबरशिप स्टेटस अचीव करेंगे उनको वो रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाएगी। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लीडर्स के पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने लीडर्स के साथ कुछ वेबिनार्स किए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, बट दैट्स नॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन वी हैव। सो ग्रेजुअली हम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन अगले आने वाले 1-2-3 दिन में और प्रोवाइड करेंगे थ्रू न्यूज लेटर्स, थ्रू हमारी प्रेसिडेंट क्लब वेबसाइट के थ्रू और आपके लीडर्स के थ्रू ऑफ कोर्स। ओके, सो जस्ट कीप वॉचिंग दिस स्पेस। राइट नाउ आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है एंड दैट इज दी OFC's अपॉर्चुनिटी। आप सब लोग, जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि दी OFC's जो कि कंपनी का Day 1 से जो प्लान था, 2 साल 2.5 साल पहले जब कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस शुरू हुए, वो ये था कि जितनी भी कंपनीज हैं, साइटॉक, यूनाइकॉन, ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम, ये बैठती हैं अंडर यूनाइको होल्डिंग स्ट्रक्चर के, और यूनाइको होल्डिंग का जो 49% है, कंपनी वो पहले दिन से अपने प्लान के तहत वो 49% यूनाइको के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी और कर रही थी और कर रही है और करती रहेगी अंटिल 31st of January। और जिन जिन लोगों के पास OFCs होंगे इस 49% के अंदर से, फ्यूचर में यूनाइको जब वन ऑफ आवर कंपनीज गोज ऑन स्टॉक मार्केट, बिकम लिस्टेड कंपनी, तो आपके जो OFCs हैं दे हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू बी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस वक्त। 1 फरवरी के बाद भी लोग जो ज्वाइन कर रहे होंगे उनको जो नया रिकग्निशन प्लान मिलेगा उसमें भी एक ऑप्शन के तहत वो शायद कंपनी की शेयर होल्डिंग में इस 49% में से कुछ हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जो जिन लोगों के पास OFCs होंगे उनके पास उनकी उनको प्रायोरिटी मिलेगी इस शेयर होल्डिंग को हासिल करने की। वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम Day 1 जो मैंने पूछा जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, और वो ये था कि कंपनी क्यों अपना 49% आम लोगों को जैसे मैं और मेरे जैसे और जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइको के उनको देना चाहेगी। तो मतलब अगर अगर आप समझते हो, मैंने एक कंपनी के को फाउंडर से एक क्वेश्चन किया कि अगर आप ये समझते हो कि ये कंपनी इतनी बड़ा बिजनेस मॉडल है और इतनी बड़ी सक्सेस बन सकती है दुनिया की, तो आप अपना आधा हिस्सा क्यों लोग आम लोगों को देना चाहेंगे? वाई, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी, या ये सिर्फ मतलब दिखावे की चीज है? तो उसका जवाब जो मुझे मिला वो ये था कि ये दिखावे की चीज नहीं है। ऑफकोर्स हम अपना 49% कंपनी की शेयर होल्डिंग आम लोगों को देना चाहेंगे, और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि अगर हम 49% आम लोगों को देते हैं जो कि हमारे मेंबर्स ही हैं, तो उससे क्या होगा कि लोगों को इस कंपनी की सक्सेस में इंटरेस्ट होएगा, क्योंकि वो इसके खुद भी ऑनर होंगे, चाहे वो स्मॉल परसेंटेज ही होगा, राइट? और जब बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को इस कंपनी की सक्सेस में इंटरेस्ट होगा और इतने सारे लोग मिलके इस कंपनी की सक्सेस को बढ़ाने में काम कर रहे होंगे, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कंपनी कितनी बड़ी सक्सेस बन सकती है पूरी दुनिया में, बजाय कि हम सिर्फ 4, 5, 6 लोग जो हैं वो मिलके इस कंपनी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें से 100% मिलना है। तो उनका कहना है था कि हम इसमें से 51% रखते हैं और 49% अपने मेंबर्स को ऑफर करते हैं ताकि वो इस कंपनी की सक्सेस में उतने ही इंटरेस्टेड हों जितने के हम लोग जो के कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं, राइट? और ये वो बात थी जो कि मैंने अपने पल्ले से बांधी Day 1 से, और उस चीज का प्रूफ इस चीज से मिल रहा है कि जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, 1.5 साल से कुछ ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट, तो मेरे पूरी टीम में जो सेल्स हुई थी 1 मिलियन यूरो की सेल्स पूरी टीम में पहुंचने में मुझे तकरीबन 31 हफ्ते लगे। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया उसके 31 हफ्ते के बाद मेरी टोटल सेल्स जो थी मेरी टीम में वो 1 मिलियन यूरो हो चुकी थी, राइट? रिसेंटली जो मेरा सेकंड लास्ट 1 मिलियन यूरो सेल्स थी वो 5 हफ्ते में हुई, मतलब पिछले 2 हफ्ते से पहले, पिछले 5 हफ्ते जो गुजरे उसमें 1 मिलियन सेल हुई। पिछले 2 हफ्ते जो गुजरे हैं, लास्ट 2 वीक्स, ओके, 14 दिन,
इसमें मेरे टीम के अंदर 1 मिलियन की सेल हुई, राइट। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ये बिजनेस पूरी दुनिया में फैल रहा है, कितनी तेजी से लोग इस बिजनेस में शिरकत कर रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज उनको अपना बेनिफिट भी नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स किसी के लिए बिजनेस लोग नहीं कर रहे, ना मेरे लिए कर रहे हैं, ना यासीन भाई के लिए कर रहे हैं, ना मलिक के लिए कर रहे हैं, ना इकबाल के लिए कर रहे हैं, ना कादिर के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, बल्कि लोग अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज उनको इंटरेस्ट नजर आ रहा है उसके अंदर। और सेल्स के वॉल्यूम से और उसकी स्पीड से आपको अंदाजा हो रहा है कि किस तरह से लोग इसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बिजनेस को बढ़ाने में। सो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी थी ओएफसीज के बारे में। आई वॉन्ट गो इन टू डिटेल ऑफ ओएफसीज कि क्या है कैसे नहीं, बिकॉज आई बिलीव कि ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट। लेकिन अगर आप में से कोई साहब ऐसे हैं जो नए हैं बिजनेस में, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे ओएफसीज प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने उन दोस्त जिन्होंने आपको आज इन्वाइट किया इस वेबिनार पे, उनसे रब्ता कीजिए एंड दे विल एक्सप्लेन यू फर्दर, राइट। सो ओएफसीज एक्सक्यूज के हवाले से एक चीज और जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट्स माई यूनाइको बैक ऑफिस। जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मेरा बैक ऑफिस है। जब मैंने शुरू किया ये बिजनेस आज से 1.5 साल पहले, तो राइट साइड पे अगर आप, लेट मी इंक्रीज द स्क्रीन, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। ओके, सो ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो नजर आता है, राइट, और इसके ऊपर नंबर ऑफ ओएफसीज है। मेरे पास जो इस वक्त टोटल ओएफसीज हैं कंपनी के, वो 7,09,588, ओके, 709,588 ओएफसीज है मेरे पास, जो कि आज की वैल्यूएशन के हिसाब से, आज इस वक्त के तहत कंपनी की जो पर ओएफसी वैल्यूएशन है वो 0.2 यूरो है, और 20 यूरो सेंट कह लें इसको आप। तो जब आप नंबर ऑफ ओएफसीज को 709,588 ओएफसीज को मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, सो दैट्स द पोर्टफोलियो आई हैव, 141,917.6, ओके, सो 1,42,000 कर लें, 1,42,000 यूरो वर्थ का पोर्टफोलियो है मेरा इस वक्त। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था आज से 1.5 साल पहले, उस वक्त मेरा पोर्टफोलियो 0 था, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप सब लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया था तो आपका पोर्टफोलियो 0 था, या बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज कोई साहब जिम कर रहे हैं या कल करेंगे तो उनका पोर्टफोलियो 0 रहेगा। आज हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस को फैलाने में एज कम्पेयर टू 1.5 साल पहले, क्योंकि 1.5 साल पहले ये बिजनेस बिल्कुल ब्रांड न्यू था और बहुत सारे लोग तो इस आइडिया पे बिलीव भी नहीं करते थे कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। मेरे एक दोस्त थे, ही वाज एन अकाउंटेंट, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उनके पास ये बिजनेस लेके गया, उनके साथ बैठा बात की, और आपको पता है कि दुनिया में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, एंड ही वाज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग साथ पढ़े कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, लेकिन ही बिकेम एन अकाउंटेंट, मैं ट्रेनिंग्स इंडस्ट्री में चला गया, नेटवर्क इंडस्ट्री में चला गया। सो आई थॉट कि यार बीइंग एन अकाउंटेंट उनको तो ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस बिजनेस की और कैलकुलेशंस की और फिगर्स की और नंबर्स की, और वो तो मतलब ऐसे जंप करेंगे इस बिजनेस में, अगर मैं समझ सकता हूँ तो वो तो मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। बट आफ्टर प्रेजेंटेशन उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। और दैट वाज हिज कमेंट्स 1.5 साल पहले। अभी रिसेंटली जब मैं उनसे दोबारा मिला और अपना पोर्टफोलियो दिखाया और कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी, इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे लोग हैं और इतना मेरा पोर्टफोलियो हो गया, और वो कहने लगे कि ये कैसे हो गया, राइट। मतलब 1.5 साल पहले वो कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं, हो नहीं सकता, और अब वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया। सो मतलब और उन्होंने फिर भी ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ। मतलब आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है, या कोई भी शख्स, कोई भी लीडर, कोई जादूगर नहीं होता इस बिजनेस में कि जिसको हाथ लगाए बस वो ज्वाइन लेगा हमारे साथ। इट्स नॉट लाइक दैट, इस इज अ बिजनेस कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस समझ नहीं आएगा और कुछ लोगों को समझ आएगा, और जिन लोगों को समझ आएगा वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे एक दोस्त है, वो मुझसे पूछने लगे कुछ दिन पहले कि आतिफ भाई हमें मतलब कुछ कुछ गुर बता दें, कुछ कुछ ऐसा वर्ड बता दें जो आप बोलते हैं लोगों को और लोग धड़ाधड़ ज्वाइन कर लेते हैं और ऐसे। मैंने कहा भाई मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट थिंक कि मेरे पास कोई वो जादू की छड़ी है जो मैं घुमाता हूँ और बस लोग ऐसे खड़े खड़े ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। मैंने खुद कई लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, मैंने आज तक सैकड़ों लोगों को पर्सनली 1-to-1 प्रेजेंटेशन दी होगी, सैकड़ों लोगों को। मैं दोबारा से ये बात रिपीट करता हूं, मैंने
अगर आप समझते हैं कि इतना मैं कामयाब हूं और मेरे पास शायद कोई क्या है कि मैं बोलता हूँ लोगों के कान में खुसर पुसर करता हूँ और वो ज्वाइन कर लेते हैं, सबके सब ज्वाइन कर चुके होंगे, ऐसा नहीं है। मैंने सैकड़ों लोगों को 1-to-1 प्रेजेंटेशन दी है और उनमें से चंद लोग सिर्फ ज्वाइन किए, राइट। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, एंड दैट इज नेचुरल। अगर आप भी आज इस वेबिनार पे मौजूद हैं और रिसेंटली आपने अगर बिजनेस शुरू किया है, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग आपके साथ होगी। आप बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे और उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। बिकॉज लोगों को बिजनेस लाजमी नहीं कि हर चीज हर किसी को समझ आए। अगर मुझे ऑरेंज जूस पसंद है पीना, और आप में से काफी सारे लोग होंगे ऐसे जिनको ऑरेंज जूस पसंद है पीना, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑरेंज जूस का नाम सुनते ही उनको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, यू नो। सो लाजमी नहीं कि हर एक चीज हर इंसान दुनिया का पसंद करेगा। सो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्कुल इसी तरीके से चलता है कि आप जब बिजनेस प्रेजेंट करते हैं तो लाजमी नहीं कि हर कोई ज्वाइन करेगा। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस प्रिंसिपल पे चलता है कि हम बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हैं, उनमें से जिन लोगों को समझ में आएगा वो आपके साथ आएंगे और फिर दे विल डू द सेम थिंग। वो लोग भी, अगर आप 100 लोगों को बिजनेस प्रेजेंट करते हैं उसमें से 10 15 20 लोग ज्वाइन करते हैं आपके साथ, 80 लोग नहीं ज्वाइन करते, दैट्स फाइन, राइट। वो 10 15 20 लोग भी आगे लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, 50 50 100 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे, उनमें से भी 10 15 20 लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 400 लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस फिगर को देखें कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ बिजनेस में बिकॉज उनको बिजनेस आइडिया समझ आ रहा है। आप उस फिगर को नहीं देखें कि जिनको समझ नहीं आ रहा वो ज्वाइन नहीं कर रहे, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। ओके, सो ये तो एक चीज थी मेरे हवाले से। तो आज अगर मेरा पोर्टफोलियो 141,000 यूरो का है, क्योंकि ओएसएस की वैल्यू 0.2 यूरो है, फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ होती है, हमारा जो आईपीओ प्लान है कंपनी का वो सक्सेसफुल जाता है। देखिए एक चीज मैं आपको आज लाइफ में बता दूं, मैं कई दफा रिपीट कर चुका अपने वेबिनार्स पे, दुनिया में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, राइट। और खास तौर पे बिजनेस में तो किसी चीज की गारंटी नहीं होती, जिस चीज की गारंटी होती है वो या तो चीज ठीक नहीं होती या फिर वो गारंटी फेक होती है, राइट। सो या फिर उसके बदले आपको बहुत एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, राइट। सो ये बिजनेस आइडिया जो हमारा है, दुनिया किसी भी बिजनेस की गारंटी नहीं होती, सेम गोज टू आवर बिजनेस मॉडल। हाँ, लोग जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो गारंटी पे डिसीजन नहीं लेते, वो उस बिजनेस के प्रोस्पेक्ट पे, उस बिजनेस के फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। और फ्यूचर को हम कैसे देख सकते हैं, प्रिडिक्शन। दुनिया में कोई भी आदमी फ्यूचर नहीं जानता है, किसी भी चीज का कोई दावा करता है कि मुझे फ्यूचर पता है तो दैट्स इनकरेक्ट, ओके। लेकिन बिजनेसमैन जो डिसीजन लेते हैं फ्यूचर को सोचते हुए, वो फ्यूचर नहीं जानते लेकिन वो इस चीज के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि पास्ट में क्या हुआ उसको देखते हुए हम फ्यूचर की थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसा कि महकमा मौसमियात जो है, जो वेदर फोरकास्टिंग सेंटर होते हैं कंट्रीज के अंदर, वो प्रिडिक्शन करते हैं कि आज बारिश होगी या कल बारिश होगी। अब कल बारिश होगी ये तो फ्यूचर जानने की बात हुई, और दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये तो हो नहीं सकता, फ्यूचर को नहीं जानता। लेकिन हाँ, वो क्योंकि सैटेलाइट इमेज से अर्थ की मूवमेंट को और हवाओं की मूवमेंट को और बादलों की मूवमेंट को और उसकी स्पीड को देखते हुए ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 24 घंटे में ये बादल यहाँ पे हैं, मूव करके हवा इस तरफ चल रही है, मूव करके बादल यहाँ पे आ जाएंगे और बादल इतने थिक हो चुके होंगे कि उसके अंदर से बारिश होने का इम्कान है। तो इस तरह वो प्रिडिक्शन करते हैं मौजूदा और पास्ट के हालात को देखते हुए। सो जो बिजनेसमैन है वो गारंटी के ऊपर काम नहीं करते, वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इस बिजनेस का पास को देखते हुए। तो ये जो सोशल कम्युनिटी का हमारा बिजनेस मॉडल है, इसकी प्रिडिक्शन हम, सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास फेसबुक की है, फेसबुक को देखते हुए इसकी हम देख सकते हैं। और फेसबुक आज 800 मिलियन मेंबर्स हैं उसके, और उसमें फेसबुक की वैल्यूएशन 100 बिलियन है, और साइटटॉक के सिर्फ 13 मिलियन मेंबर्स हैं। लेकिन अगर आप गौर करें और साइटटॉक और फेसबुक के बिजनेस मॉडल में, हम साइटोक और फेसबुक को कभी कंपेयर नहीं करते कि साइटोक बेहतर है फेसबुक अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली फेसबुक के अंदर फंक्शंस बहुत ज्यादा है साइटोक की निस्बत, बिकॉज वो 8 साल पुरानी कंपनी है, साइटोक सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल पुरानी कंपनी है। साइटोक लॉन्च हुए ऑफिशियली 2 साल हो गए, फरवरी 2010 में साइटोक लॉन्च हुई थी, राइट। सो देयर इज नो कंपैरिजन। हाँ, लेकिन बिजनेस मॉडल में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फेसबुक का बिजनेस मॉडल इज ओनली सोशल कम्युनिटी बिजनेस मॉडल, जबकि साइटोक का बिजनेस मॉडल जो है, दिस इज सोशल कम्युनिटी प्लस
बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो इट्स अ सेल्स ड्रिवन बिजनेस मॉडल। तो अगर 13 मिलियन मेंबर्स इनकम अरसे में साइटो के हो चुके हैं, और इस बिजनेस मॉडल को अगर आप फर्दर प्रोजेक्ट करें, और खासतौर पे हमारा जब साइटॉक 2.0 जो नया प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च हो जाएगा, तब यू कैन इमेजिन कि हम ये 13 मिलियन से कितने जल्दी 25 मिलियन से, 50 मिलियन से, 100 मिलियन से, 200 मिलियन एंड बियॉन्ड जा सकते हैं। और जब ये स्टोरी साइटॉक की आती है, और साइटॉक का पर मेंबर टर्नओवर फेसबुक के पर मेंबर एवरेज टर्नओवर से कहीं ज्यादा है, तो उस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइटॉक की वैल्यूएशन कितनी ज्यादा हो सकती है, राइट? सो दैट्स काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन, बट इट्स नॉट अ गारंटी, राइट? सो इसी चीज को देखते हुए अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं, तो आज अगर मेरे पास 709 588 OFCs हैं, 7,09,588, और कल को अगर ये कंपनी बहुत कामयाब हो जाती है लेट्स से, और इसके एक OFC के वैल्यूएशन, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, कभी इस एग्जांपल को कोट नहीं करें, गारंटी देके कि हो जाएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल यूज कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से फ्यूचर में हमारे पास वैल्यू 20 यूरो हो जाती है, लेट्स से ओके, बहुत बड़ी सक्सेस होती है कंपनी की। तो दैट मींस कि मेरा पोर्टफोलियो जो आज 1,40,000 पे खड़ा हुआ है, वो 14 मिलियन का हो सकता है। ऑलराइट, वाओ, 14 मिलियन यूरो, दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन लेट्स से कि अगर ऐसे नहीं होता, कंपनी की इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती, और कंपनी की सिर्फ पर ऐसी वैल्यू 5 यूरो जाके लगती है, इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती, नॉर्मल होती है, तो उस वक्त मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 3.5 मिलियन यूरो का हो जाएगा, राइट? लेकिन लेट्स से अगर के इतनी भी वैल्यू नहीं लगती है, और कंपनी की इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती किसी वजह से वगैरह वगैरह, और सिर्फ 1 यूरो प्राइस लगती है पर OFC की, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 7,00,000 यूरो का हो जाएगा, 0.7 मिलियन। और लेट्स से अगर बिल्कुल कामयाबी नहीं होती इतनी भी, और कंपनी का जो पोर्टफोलियो जो OFC की वैल्यू लगती है वो 0.2 यूरो की लगती है फ्यूचर में जाके, जो कि अभी भी है, राइट? तो उस वक्त भी मेरा पोर्टफोलियो 1,40,000 यूरो का हो जाएगा, राइट? क्या 1,40,000 यूरो इज गुड इनफ मनी? वेल, आई थिंक इज गुड, खासतौर पर 1.5 साल की एफर्ट्स करने के बाद, राइट? एंड द सेम अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के पास मौजूद है कि आप OFCs को हासिल कर सकते हो अगले 3 दिन में, खास तौर पे कि आपको अवार्ड के तौर पे मिल सकते हैं OFCs, राइट? और ये चीज हम पिछले 1.5 साल से बताते आए हैं कि 49% इज लिमिटेड इन द कंपनी, और जब 49% कंप्लीट हो जाएगा तो ऑफकोर्स OFCs लोगों को, नए लोगों को मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि 49% लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड है, राइट? एंड दिस इज वेयर वी आर नाउ। अगले 3 दिन आपके पास है अंटिल 31st ऑफ दिस मंथ, कि आप कितने अपने लोगों को, दोस्तों को ये अपॉर्चुनिटी दिलवाना चाहते हैं और उनको ये बेनिफिट देना चाहते हैं। बिकॉज एक चीज जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सीखी एक मूवी देखते हुए, एंड दैट वाज एन आइडिया ऑफ पे इट फॉरवर्ड, ओके? अगर आपको कोई चीज, अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है किसी चीज से, आपको कोई चीज अच्छी लगी है, तो रादर देन कि जिन साहब ने आपको बेनिफिट दिया है आप उनके लिए कुछ अच्छा काम करें, आप आगे फर्दर वो बेनिफिट आगे लोगों को पहुंचाएं, ओके? फर्दर लोगों को पहुंचाएं ताकि उनको और बेनिफिट्स आ सके, ऑलराइट? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट कॉल्ड पे इट फॉरवर्ड। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, आपके साथ एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, और एंड दैट इज हमारा जो साइटॉक 2.0, जो नई कम्युनिटी है जिसके ऊपर भी काम चल रहा है लॉन्च होने के लिए। राइट नाउ साइटॉक इज एट साइटॉक 1.3, ओके? जो हमारा के प्लेटफॉर्म है, और आगे चल के वी कैन बी साइटॉक 2.0, जो कि हमारा प्लान है, कंपनी का प्लान है अप्रैल में लॉन्च करने का। इस कम्युनिटी में क्या क्या चीजें होंगी, दैट्स गोना बी लाइक अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आप कंप्यूटर पे, अपने आईपैड्स पे, आईफोन्स पे, लैपटॉप्स पे, किसी पे भी इसको आप एक्सेस कर सकेंगे, और देयर विल बी एप्लीकेशंस नॉट ओनली ऑनलाइन, आप एप्स डाउनलोड करके उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकेंगे हमारे साइटों को। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस विल बी वेरी सिंपल एंड इजी। रजिस्ट्रेशन के लिए चंद डिटेल्स आप डालते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, और जब आप अपने साइटों के बैक ऑफिस में लॉगिन करते हो, यू विल हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अभी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ
कि हमारी जो साइटॉक 2.0 है वो कैसे दिखेगी। साइटॉक 2.0 में साइटॉक शॉपिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप ऑनलाइन शॉपिंग जब करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, उसकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, कितनी शॉपिंग की आपने, कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में ज्यादा शॉपिंग की, कौन सी प्रोडक्ट्स आपने खरीदी, या आपके जो दोस्त हैं आपके साइटॉक के अंदर, आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है, आप उनकी शॉपिंग दे सकते हो, हैबिट्स की, उन्होंने क्या क्या चीजें खरीदी और उनके रिव्यूज पढ़ सकते हो कि मैंने ये चीज खरीदी, ये चीज अच्छी थी या ये चीज बुरी थी, राइट। सो दैट्स काइंड ऑफ ए शॉपिंग कॉन्सेप्ट। एंड साइटॉक डील्स इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग, जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड है। साइटॉक डील्स, अगेन मेरे पास शॉर्ट टाइम है अभी इस टॉपिक पे बोलने के लिए, किसी और हफ्ते वेबिनार में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट साइटॉक डील्स इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक ए ग्रुप ऑन डील्स कॉन्सेप्ट। अगर आप में से कुछ लोग ग्रुपॉन, एक कंपनी है जिसको जानते हैं, ग्रुपॉन वाज स्टार्टेड कपल ऑफ इयर्स अगो यूके में, और इस वक्त वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट भी हो चुकी है विद कपल ऑफ बिलियन पाउंड्स की वैल्यूएशन के साथ। और उसमें होता यह है कि बहुत सारे बिजनेसेस आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं, मैं आपको लोकल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके शहर में कोई रेस्टोरेंट है, वो बहुत बिजी रहता है वीकेंड पे, ऑब्वियसली वीकेंड पे बहुत बिजी रहेगा, फ्राइडे नाइट को, सैटरडे को, संडे को बहुत बिजी रहेगा, लेकिन ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग, ट्यूजडे आफ्टरनून और वेंसडे आफ्टरनून वो इतना बिजी नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर वो इतना बिजी नहीं रहता है वेंसडे आफ्टरनून में, तो वो क्या कर सकता है, वो हमारे साइट ऑफ डील्स पे आके एक डील ऑफर करता है कि देखो भाई, नॉर्मल तो मेरा जो बिल है खाने का वो इतना है पर हेड, लेकिन वेंसडे आफ्टरनून को हम आपको 50% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस तरह मतलब 50% डिस्काउंट ऑफर करके हमारे साइट ऑफ डील्स पे अपनी अपनी डील ऐड कर सकता है। मैं सिर्फ रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, आपके इलाके में कॉफी शॉप है, आपके इलाके में कोई और एक्टिविटीज है ऐसी जो कि डिस्काउंट पे वो बिजनेसेस ऑफर करेंगे जबकि नॉर्मल डेज में उनका इतना ज्यादा बिजनेस नहीं होता है, ताकि वो और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। उसमें उस बिजनेस का भी फायदा है कि रादर देन फ्री रहने के वो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा है, और हमारे मेंबर्स को फायदा होगा कि उनको एक अच्छी डील जो कि शायद वो चाहते थे लेना, उनको मतलब बहुत सस्ते दामों मिल रही है। एंड दैट्स एग्जैक्टली सेम जो कि ग्रुप ऑन का बिजनेस मॉडल है। तो इसमें होगा ये कि आपकी टीम के मेंबर्स जब वो डील जाके खरीदेंगे, उनको बेनिफिट, उनको सस्ते में डील मिल रही हैं, वो उन बिजनेसेस को बेनिफिट के उनको उनको ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं खाली रहने के बजाय, कुछ ना कुछ वो अर्न कर रहे हैं, और आपको एज अ नेटवर्क लीडर क्या बेनिफिट होगा कि आपकी टीम में जितने भी लोग वो डील्स खरीदेंगे, आपको कुछ बिजनेस वॉल्यूम, कुछ पॉइंट्स आपको उस पे मिलते हैं, और आपको उसके बदले बोनसेस भी मिल सकते हैं। सो दैट्स वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट। साइटॉक लाइव एक चीज है, आपके अपने ही साइटॉक के बैक ऑफिस में एक फंक्शन आ जाएगा, जिसके अंदर के जैसे हम आज वेबिनार कर रहे हैं, मुझे ये वेबिनार्स करने की ऐसी जरूरत नहीं रहेगी, मैं अपने साइटॉक के थ्रू वेबिनार किया करूंगा, और सैकड़ों हजारों लोग दुनिया में कहीं भी है वो मेरे वेबिनार पे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मुझे देख भी सकते हैं और मेरी आवाज भी सुन सकेंगे, और इस तरह आप में से हर कोई अपने वेबिनार्स कर सकेगा। अगर आप बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, वन टू वन बेसिस पे अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं साइटॉक लाइव के थ्रू। साइटॉक वॉलेट, जिसमें कि आप अपनी अर्निंग्स देख सकते हो और अपने लोगों दोस्तों को दिखा भी सकते हो कि आपने कितनी अर्निंग अभी तक अर्न कर चुके हो। दी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विल बी कि आप जब अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, किसी साहब को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और आप उनको साइटॉक वॉलेट दिखाते हैं, उसमें लेट से आपको नजर आता है कि आपकी अर्निंग 500 यूरो भी है, और आधे घंटे में जब आप प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं तो दोबारा जब रिफ्रेश करते हैं तो वो 500 के बजाय 600, 625, 650 पे चली जाती है आपकी अर्निंग। तो वो साहब परेशान हो जाएंगे, यार आप आधे घंटे से तो मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपने किसी साहब को और प्रेजेंटेशन नहीं दी, किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, लेकिन आपकी अर्निंग 500 से 600, 650 कैसे हो गई? तो तब उनको समझा सकते हैं कि दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। साइटॉक लोटो, दिस इज इंटरनेशनल लॉटरी, जिसमें के बहुत सारे लोग, जो लोग शिरकत करना चाहते हैं वो करेंगे, और अगर आप लॉटरी खरीदते हैं 1 यूरो 2 यूरो 5 यूरो जो भी प्राइस होगी उसकी, तो चूंकि हमारे मिलियंस ऑफ मेंबर्स होंगे तो मिलियंस ऑफ यूरोज इकट्ठे होते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 10 जो भी लॉटरीज के जैकपॉट प्राइजेस होंगे उनको बड़े प्राइजेस मिल सकते हैं। सो वी एक्सपेक्ट के एवरी सिंगल वीक हमारे साइटॉक में मिलियनियर्स जनरेट होंगे, क्योंकि अगर 30 मिलियन, फॉर एग्जांपल अगर 30 मिलियन मेंबर्स हमारे आने वाले दिनों में हो जाते हैं, और वो हर मेंबर 1-1 यूरो की लॉटरी खरीदता है, और वो 30 मिलियन जो भी लॉटरी विनर होगा किसी एक साहब को उस वीक में मिल जाएंगे, तो एवरी सिंगल वीक साइटॉक विल जनरेट मिलियनेयर्स दुनिया के अंदर, राइट। एंड दिस विल ऑल बी ऑनलाइन एंड स्विफ्ट एंड इजी प्रोसेस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग और गो एनीवेयर टू डू इट। फिर हमारे पास साइटॉक टाइकून्स है, साइटॉक किड्स है, बहुत सारी चीजें, आई एम जस्ट गोना डू फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे because of shortage of time,
वी डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट. एक्सक्यूज मी. राइट, सो ये वो सारी चीजें हैं फ्यूचर की जिनको देख के वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड और पैशनेट अबाउट द बिजनेस, और हम तेजी से काम भी कर रहे हैं सब लोग. नाउ बिफोर आई गो अहेड, वेयर इज माय प्रेजेंटेशन, ओके. नाउ आज के जो रिमेनिंग हमारा टाइम है उसको हम स्पेंड करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, और वो जो गेस्ट है हमारे एंड ही हैज जस्ट रिसेंटली बिकेम यूनाइको डायरेक्टर. उन्होंने डायरेक्टर का रैंक अचीव किया है. यूनाइको डायरेक्टर का रैंक अचीव करने के लिए आपको मिनिमम 500,000 यूरो की सेल एक साइड पे और 500,000 यूरो की सेल्स दूसरी साइड पे. दो टीम्स जो आपकी हैं, दोनों टीम्स में मिनिमम 500,000 यूरो की सेल्स होनी चाहिए तो यू अचीव द रैंक ऑफ यूनाइको डायरेक्टर. इन साहब ने आज से तकरीबन साल सवा साल पहले ये बिजनेस शुरू किया, और ऑलमोस्ट साल पहले आई वुड से, एंड अभी माशाल्लाह यूनाइको डायरेक्टर के रैंक पे पहुंच चुके हैं एंड ही हैज क्वालिफाइड टू अचीव यूनाइको की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड जो कि रोलेक्स वॉच है, और जो कि उनको नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट जो हमारा हो रहा है मलेशिया में उस पे उनको ये रोलेक्स वॉच अवार्ड की जाएगी जिसकी की इटसेल्फ वैल्यू 5,000 यूरो होगी. राइट, 5,000 यूरो आपकी लोकल करेंसी में जितने बनते हैं आप उसको देख सकते हैं कितने बनते हैं. इन साहब ने बहुत मेहनत की ऑफ कोर्स इस रैंक तक पहुंचने के लिए. इट वाज नॉट एन इजी राइड. आप में से जो लोग भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है कुछ, तो बिल्कुल गलत है ये. और अगर आपको किसी ने बताया ये कि अगर आप बिजनेस में आ जाओ आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप खुद से अमीर होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है ये. राइट, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारे बिजनेस में, ना ये लॉटरी है हमारा बिजनेस, ना ये कोई स्कीम है और वगैरह वगैरह. ये इज अ प्रॉपर प्योर बिजनेस, और जैसे कि नॉर्मल आप बिजनेस को शुरू करते हो उसके लिए आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और फिर आप फाइनली अगर आप यू कीप डूइंग द राइट थिंग्स आप कामयाब होते हो. इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी जो लीडर्स आगे बढ़ के हायर रैंक्स अचीव करते हैं वो भी इन्हीं सारे दुनिया के जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर के रैंक्स अचीव करते हैं. सो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस जेंटलमैन कि जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे, और आज उनको हमने स्पेशल इनवाइट किया है, और हम चाहेंगे कि उनके साथ इंटरव्यूज में कुछ क्वेश्चंस करें और उनसे पूछें कि किस तरह से उन्होंने ये सक्सेस हासिल की. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर नवीद हुसैन, हमारे लेटेस्ट यूनाइको के डायरेक्टर. नवीद हुसैन, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी आतिफ भाई, मुझे आपकी आवाज आ रही है. अस्सलाम वालेकुम. ओके नवीद, आपको इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पता नहीं कितनी कंट्रीज में लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं और ये जानने के लिए बेताब हैं कि नवीद जो के मतलब इज लुकिंग वेरी यंग, और ही इज एक्चुअली वेरी यंग, और आपने ये कैसे कर लिया नवीद? और अगर आप कहीं थोड़ा ऊंचा बोलेंगे. आतिफ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सब दोस्त जितने भी लोग इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको वेलकम करता हूँ, उन सबको मैं सलाम कहता हूँ, और आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज अ गेस्ट, और आज मेरी आवाज़ इतने सारे लोग सुन रहे हैं. आई कांट, मैं आपको अपनी फीलिंग्स जो हैं इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता. Okay, I can understand that, how excited you are, mashallah. Naveed, जब आप next reply करेंगे तो kindly थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लोग बेहतर तरीके से सुन सके. Now, let's take it in a question way. मैं आपसे पहला question ये करना चाहता हूँ कि आप ये honestly बताइए कि जब first time आपने ये business model देखा, ये business idea को आपने देखा, तो आपको उस वक्त एग्जैक्टली क्या फीलिंग थी बिजनेस की पहली प्रेजेंटेशन देखने के बाद, और क्या आपको लग रहा था कि क्या वाकई आप ये बिजनेस कर पाएंगे या ये बिजनेस हो सकता है या आप इसमें कितनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, क्या आपकी फीलिंग्स थी जब आपने पहली प्रेजेंटेशन देखी थी इस बिजनेस की? वेल आतिफ भाई,
बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। जब पहली बार मैंने यूनाइको की प्रेजेंटेशन ली, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस दोस्त का, उस मोहसिन का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे स्पॉन्सर, मेरे दोस्त मिस्टर अब्दुल कादिर। लास्ट आई थिंक 1 साल पहले उन्होंने मुझे इनवाइट किया, अक्टूबर 2010 में आई थिंक ये मीटिंग हुई थी, और आप पाकिस्तान आए। सरीना होटल इस्लामाबाद में हमारी वो फर्स्ट मीटिंग थी जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन ली। मिस्टर डैन एंडरसन कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी थे आपके साथ, और मैं और अब्दुल कादिर उस वक्त हम लोग ऑलरेडी आतिफ भाई, मैं और कादिर एक बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और बिजनेस में हम बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके थे, और ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, और हम इस होप के साथ वो प्रेजेंटेशन लेने आए कि आई थिंक आतिफ भाई हमारे लिए कोई एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल लेके आए हैं, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया होगा जिसको देखने के बाद हम ये जितने भी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो खत्म हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन जब हमने वो प्रेजेंटेशन ली, और वो प्रेजेंटेशन लेने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे थे सीना होटल, हम आपसे मिले, तो उस हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया आने वाला है जो हमें सक्सेसफुल कर देगा। लेकिन एग्जैक्टली ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ आज शेयर करूंगा कि जब हम वो प्रेजेंटेशन लेके बाहर निकले तो मेरे और कादिर के तासुरात ये थे कि हमने कहा कि भाई ये आतिफ भाई तो माशाल्लाह बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, हम इनको ऑलरेडी कई साल से जानते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो बिजनेस ये पाकिस्तान में लेके आए हैं यूनाइको का, 2000 यूरो का साइनअप, 149 यूरो का साइनअप, 500 यूरो का ब्रोज पैक, इट्स इम्पॉसिबल। हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हम लोग चुप करके घर जाते हैं और इसको आज के बाद हम भूल जाते हैं इस बिजनेस को। ये हमारी एग्जैक्टली फीलिंग थी उस वक्त। आई कैन अंडरस्टैंड राइट। और मतलब ये मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए भी किया कि बहुत सारे लोग आज इस वेबिनार पे मौजूद हैं, तो वो शायद ये समझ रहे होंगे कि देखें भाई, नवीद साहब तो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं बिकॉज वो शायद कोई सुपरमैन है या स्पाइडरमैन है या कोई सुपर हीरो है दुनिया के, और उन्होंने बस ऐसे जैसे कि मेरे बारे में लोग समझते हैं कि छड़ी घुमाई और लोग बस कितारों में आके लग गए उनके सामने और उन्होंने बिजनेस कर डाला, और पहली मीटिंग में तो उनको क्या सब कुछ समझ आ गया होगा और वो ऐसे होंगे वैसे होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने नवीद के जैसे रिप्लाई से ये चीज जान ही लिया होगा कि ही इज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी पर्सन जस्ट लाइक यू, बिल्कुल मेरी तरह मैं एक ऑर्डिनरी आदमी अपने आप को समझता हूँ। और बिल्कुल मेरी भी जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी जो मैंने इस बिजनेस की हासिल की थी, और उसमें मुझे भी ये नहीं था कि बस फटे चक देंगे और ये कर देंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड। मे भी आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ सिमिलर सिचुएशन गुजरी होगी, और लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मे बी फर्स्ट मीटिंग के बाद उनको ज्यादा बेहतर समझ आया हो इस बिजनेस में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कामयाब होने के, ऑफ कोर्स लाइफ में। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे इसी चीज को, इसी टॉपिक के वाले से शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद ये समझते होंगे कि जी ओ जी बस जी पहले जो आ जाते हैं जी वो जो पैसे कमा जाते हैं जी, हम तो क्या करेंगे, हम तो बाद में आ गए तो हमारा तो ये हो गया, तो हमारा वो हो गया। तो ये सोच और ऐसा सोचना टोटली इनकरेक्ट है। अपोलॉजी फॉर दैट अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसी बात आपने अगर की है, ऐसा हमारे बिजनेस में बिल्कुल ट्रू नहीं है। और ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या किसी को जानते हैं जो ऐसा सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऐसा सोच रहे हैं कि उनको फियर ऑफ लॉस है कि जी मैं बाद में आ गया और मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आपसे 1000 साल पहले जो आपके दादा परदादा पैदा हो गए हैं वो तो फिर ज्यादा कर गए हैं आपसे, और आप तो कभी भी नहीं कर सकते आगे कुछ बेहतर उनसे, ऐसा कभी भी नहीं है। इसकी 100% एग्जाम्पल मैं इस चीज से देता हूं, दे सकता हूं कि लास्ट वीक ये जो गुजरा है, अभी फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है, उसके बोनसेस आए हैं। नवीद जो कि मेरी टीम में, ऑफ कोर्स मेरे से काफी बाद में आए, उनकी अर्निंग मेरे से ज्यादा थी। मतलब आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं कि नवीद की लास्ट वीक की अर्निंग मेरे से ज्यादा है भैया।
इससे बड़ा क्या प्रूफ दे सकता हूं मैं आपको कि इट्स नॉट अबाउट कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, इट्स अबाउट कि आप किस तरह से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और ना सिर्फ नवीद की अर्निंग मेरे से ज्यादा लास्ट वीक की, अब्दुल कादिर हमारे एक और दोस्त हैं उनकी अर्निंग मेरे से ज्यादा है, यासीन भाई मेरे एक और दोस्त हैं उनकी अर्निंग मेरे से ज्यादा है, मैं कितने नाम आपको बताऊंगा, राइट? सो दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल कि पहले बाद वाली। बहुत सारे लोग बैठ के अभी बातें कर रहे होंगे या नवीद के कामयाब होने के बाद, जी नवीद साहब तो आगे पहले, नहीं भैया नवीद साहब पहले आगे इस वजह से कामयाब नहीं हुए, नवीद साहब इस वजह से कामयाब हुए हैं कि उन्होंने जो रगड़े खाए हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, तकलीफें उठाई हैं, इस वजह से वो कामयाब हुए हैं। वरना मैं आपको और कितने नाम बता दूं अभी यहाँ बैठे हुए उन लोगों के जो बिल्कुल उस वक्त उस प्रेजेंटेशन रूम में मौजूद थे जिस वक्त नवीद पहली प्रेजेंटेशन में आए थे मेरे साथ, उनका नाम तो कहीं भी नहीं है। वो तो डायरेक्टर नहीं बने, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव भी नहीं बने, वो एग्जीक्यूटिव भी नहीं बने भैया, वो मैनेजर भी नहीं बने, टीम लीडर भी नहीं बने, वो कख भी नहीं बने, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया बिजनेस, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट कि पहले कौन है या बाद में कौन आता है, इट्स अबाउट कि आप मेहनत कितनी करते हो। और इसी चीज के ऊपर मैं नवीद से पूछना चाहूंगा कि नवीद, आपने जब बिल्कुल शुरू में फाइनली आपने डिसीजन जब ले ही लिया कि चलो अब ये कर ही लेते हैं, पता नहीं क्या होता है नहीं होता, आई डोंट नो आपकी फीलिंग क्या थी ऑन द मोमेंट ऑफ डिसीजन, तो जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो उन शुरू के दिनों में आपको खास करके चार पांच क्या चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, अगर वो आप हमारे साथ शेयर करें, और पहले आप शेयर करें कि चार पांच मेजर चैलेंजेस क्या थे, और फिर उसके बाद आप बताइए कि उसका हल कैसे निकाला आपने। भाई जब फर्स्ट मीटिंग के बाद हम लोग नवीन बात थोड़ा सा करने ऊंचा लगे तो बोलेंगे ताकि साहब लोग आसानी से आपको सुन सके, जी आते भाई, अब आ रही है ठीक आवाज? अभी बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी फर्स्ट मीटिंग आपके साथ हुई और हमने यूनाइको की प्रेजेंटेशन दी तो उस वक्त तो हमें बिल्कुल भी यूनाइको का जो बिजनेस आइडिया है हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि पाकिस्तान में ये कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, हम लोग कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज सब लोगों की सिचुएशन एट द सेम टाइम डिफरेंट होती आती भाई। हम लोग, मैं और कादिर उस वक्त जिस कंडीशन में थे, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थे और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 149 यूरो का साइनअप था, बेसिक साइनअप, बेसिक मेंबर का, और वो अमाउंट भी हमारे लिए उस वक्त की कंडीशन में बहुत मुश्किल थी अरेंज करना हम दोनों के लिए। तो खैर हम लोग वहाँ से चले गए, टाइम गुजरता गया, नवंबर का महीना आई थिंक ईद थी, इस दौरान फरहत भाई जो आपके बड़े भाई हैं, हमारे माशाल्लाह टॉप लीडर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं यूनाइको के, वो हमारे साथ इन टच रहे, वो हमें गाहे बगाहे न्यूज़ देते रहे यूनाइको के बारे में कि आज ये प्रमोशन आ रही है, आज ये आ रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर फाइनली नवंबर में उन्होंने हमें एक कॉल की, कादिर साहब को और मुझे, और उन्होंने हमें ये बताया कि दिसंबर में प्रेसिडेंट और आतिफ भाई दोबारा जो है पाकिस्तान आ रहे हैं और हम दिसंबर में एक बड़ा इवेंट करेंगे रावलपिंडी में 2 दिसंबर को, और कंपनी जो है 1 BB प्रमोशन लॉन्च कर रही है और 1 BB प्रमोशन के जरिए आप लोग प्री साइनअप पे भी इनकम ले सकते हैं। तो थोड़ी सी हमें उस वक्त होप हुई कि यार चलो हम 149 यूरो का साइनअप तो शायद पाकिस्तान में नहीं कर सकेंगे, 2000 यूरो का साइनअप नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम प्री साइनअप्स के जरिए अगर हम प्री मेंबर्स बनाना शुरू करें और यूनाइको में काम करें तो शायद हम 200 यूरो, 100 यूरो, 200 यूरो पर वीक अर्निंग कर लेंगे। और जब हम उसको कैलकुलेट करते थे मैं और कादिर बैठ के, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी पर वीक इनकम यूनाइको से 200 या 300 यूरो होगी तो हम कितने सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो खैर वो दिन आया, 2 दिसंबर का इवेंट हुआ रावलपिंडी में, किसी होटल में आप आए, प्रेसिडेंट भी आए, और उस दिन हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया कि हमने यूनाइको बिजनेस करना है। तो वही सेम प्रॉब्लम, डिसीजन तो हमने ले लिया कि हमने यूनाइको बिजनेस करना है और काम करना है, लेकिन कादिर के पास भी पैसे नहीं थे और मेरे पास भी नहीं थे। आतिफ भाई मैं आपको बता नहीं सकता वो टाइम के हमने वो 149 यूरो 18,000 रुपये किस तरह से अरेंज किए थे, आई कांट टेल। सबसे बड़ा पहला जो प्रॉब्लम था हमारे लिए उस टाइम यही था कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड नवीद, बिल्कुल इट वॉज अ टफ टाइम, और आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा उस वक्त, और यही और एक उसके बाद डिफरेंस है। आगे जी जी
जब हम लोगों ने डिसीजन लिया, खैर हमने कैसे तैसे करके 149 यूरो 18,000 रुपये अरेंज किए। कादिर ने भी बेसिक साइन अप किया, मैंने भी बेसिक साइन अप किया, और जब हम साइन अप हो चुके, आप लोग चले गए, तो हम जब अपने दोस्तों के पास गए, उनको हमने प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन देना शुरू की। कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना लैपटॉप होता था ना कंप्यूटर होता था। हम लोग डिफरेंट होटल्स में बैठ के पेपर के ऊपर जब उनको यूनाइको बिजनेस के बारे में बताते थे, प्रेजेंटेशन देते थे कि ऐसे होगा, आप इस तरह से साइन अप करेंगे, आपको इतनी इनकम आएगी, तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। खास तौर पे हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, सबसे पहले तो उन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा डिस्करेज किया, और उन्होंने हमें बहुत ज्यादा हमारे बारे में बातें की कि यार आप लोग ऑलरेडी इतने क्राइसिस में हो, आप लोग इतना ऑलरेडी नुकसान कर चुके हो, आपके पास पहले ही पैसे नहीं थे, 18,000 और डुबो के आ गए हो, पता नहीं ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पहले कितनी कंपनीज आई खत्म हो गई, किसी को कुछ नहीं मिला, ये सब ऐसी ही बातें होती हैं, कोई नहीं इतनी इनकम नहीं देता, प्री साइन अप पे कोई यूरो नहीं मिलते, आप लोग 18,000 का भी नुकसान कर रहे हो, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, छोड़ो ये काम और जाके कोई जॉब वगैरह करो, अपने घर वालों का ख्याल करो, उनके लिए कुछ करो, इस तरह की बातें हमारे क्लोज फ्रेंड्स करते थे। और फिर हम रात को फिर बैठ के मैं और कादिर जो है इसी बारे में हम परेशान होते थे कि यार हम लोग कैसे आगे चलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कंपनी का ऑफिस नहीं था, कंपनी की कोई पाकिस्तान में उस वक्त जो है वो क्या इसको हम इसको कैसे कह सकते हैं, लीगल स्टेटस नहीं था, तो हमारी अपनी भी कोई इनकम नहीं थी उस वक्त, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस किया थे भाई। और इसी प्रॉब्लम फेस करते करते आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो ये इसी प्रॉब्लम फेस करते रहने का नतीजा है। एक्चुअली आपकी इस बात से मुझे एक साहब की कोटेशन याद आई, एक बहुत सक्सेसफुल और रिच बिजनेसमैन थे जिनका के इंटरव्यू लिया एक न्यूज एडिटर ने, तो जर्नलिस्ट साहब ने, तो उनसे पूछा उन्होंने कि ये बताइए साहब कि आप इतने कामयाब हो तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि लाइफ में शायद आपको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और कभी नाकामियां नहीं आई होंगी, बस आप आए और बस ऑटोमेटिकली बैठे और कामयाब हो गए, आप तो बहुत लकी हो कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी कामयाबी ले ली होगी। तो उसका जवाब वो जो सक्सेसफुल साहब थे, बहुत रिच साहब थे, अमीर साहब थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने उसका जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं अगर आज कामयाब हूं और मेरे और एक नाकाम आदमी के लाइफ में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि नाकाम आदमी को लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई, प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, इसलिए वो नाकाम है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आई, राइट? ये एक सिमिलैरिटी है, और डिफरेंस ये है मेरी और नाकाम आदमी की लाइफ में कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आए वो एक नाकाम आदमी की लाइफ से कहीं ज्यादा थे, वो कहीं ज्यादा थे, इस वजह से मैं आज कामयाब हूं। तो वो जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने पूछा क्या मतलब आपका, नाकाम आदमी की लाइफ में कम प्रॉब्लम आई है इसलिए वो नाकाम हो गया, आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आई इसलिए आप कामयाब हो? तो उन्होंने कहा लेट मी एक्सप्लेन, मैं समझाता हूँ आपको, मैंने और एक नाकाम, मैं जो आज एक कामयाब आदमी हूं और एक दूसरा आदमी किसी को भी आप उठा लें सड़क से जो एक नाकाम आदमी है, उसके और मेरे दरमियान डिफरेंस ये है कि जो नाकाम आदमी साहब है उन्होंने जब अपना जो भी लाइफ की स्ट्रगल शुरू की और मैंने भी लाइफ की स्ट्रगल शुरू की तो दोनों को प्रॉब्लम्स आई, हर किसी को प्रॉब्लम आती है लाइफ में, जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है प्रॉब्लम के बगैर हो ही नहीं सकता, चैलेंजेस के बगैर हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, मैंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, उनको एक प्रॉब्लम आई मुझे भी एक आई, उन्होंने क्रॉस की मैंने भी क्रॉस की, उनको दूसरी आई प्रॉब्लम मुझे भी दूसरी आई, उन्होंने भी क्रॉस की मैंने भी क्रॉस की, उनको पांचवी आई, दसवीं आई, बीसवीं आई प्रॉब्लम, हमने सब में क्रॉस की, पता नहीं कब मे बी 15 20 25 30 प्रॉब्लम्स के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नाकाम आदमी साहब ने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कह के ये ओ भाई जी मेरे को और नहीं होता, ओ बस जी मैं तो बस हो गया मेरी कामयाब, मैं बहुत नाकामियां देख चुका हूँ भाई, बहुत चैलेंजेस बर्दाश्त कर चुका हूँ, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होता भाई, तो उन्होंने वहां पे हाथ खड़े कर दिए और छोड़ दी स्ट्रगल लाइफ की, लेकिन मैं जारी रहा, मुझे 25 के बाद 30 प्रॉब्लम्स आई, फिर 50 आई, फिर 100 आई, फिर सैकड़ों आई, फिर हजारों आई, मैं लगा रहा हर प्रॉब्लम के ऊपर, मैंने छोड़ा नहीं, आज मैं जो कामयाब हूं मेरी पिछली सारी जिंदगी में हजारों प्रॉब्लम्स हजारों चैलेंजेस को मैंने सॉल्व किए तब मैं यहां बैठा हूं, और जो नाकाम आदमी बाहर बैठा हुआ है कहीं पे
वो उसने हाथ उठा दिए दूसरी पे, पांचवी पे, दसवीं पे या 20वीं पे या 30वीं पे। तो ये बड़ा डिफरेंस है मेरे और नाकाम आदमी की जिंदगी में। तो बिल्कुल नवीद की बातों से भी यही लग रहा है कि इतने सारे चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं, जो आज जो लोग हमारे बिजनेस में साइन अप कर रहे हैं उनको ये सारे चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ रहा है, जिसका सामना नवीद को करना पड़ा है, और वो सामना करते रहे, आज वो कामयाब है इसलिए। और इनके साथ के कई लोगों ने शुरू किया बिजनेस और उनका नाम वो निशान भी कहीं नहीं है आज सक्सेस के हवाले से, और वो चैलेंजेस उनको भी आए होंगे और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे से नहीं होता, तो आज इसलिए वो उनका नाम कहीं भी हम सक्सेस के जिम्मे में नहीं लेते। नवीद, लास्ट क्वेश्चन आपसे, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि माशाल्लाह आपके जैसे कामयाब होना चाहते हैं, कि जिस तरह आज आप सक्सेसफुल हो, तो वो लोग ये जानना चाहते होंगे कि क्या गुर है वो आपने जो इस्तेमाल किया, या क्या वो शॉर्टकट है जो आपने इस्तेमाल किया कामयाब होने के लिए। तो आपके एक्सपीरियंस से बताइए हमें कि आपके जैसे कोई कामयाब होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मेरी जो फीलिंग है, बिकॉज आप मेरे आइडियल लीडर हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, और यूनाइको में आज मेरी जो भी सक्सेस है, डे फर्स्ट से लेके आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करने की वजह से। आपके हर वेबिनार को मैंने अटेंड किया, आपकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करता हूँ, आपको मैं हर चीज़ आपसे लेता हूँ। मेरे अंदर कोई स्पेशल अपनी कोई शायद स्किल इतनी नहीं है, मैंने जो कुछ आप में देखा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँ, और दैट्स व्हाई मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, बिकॉज मैं आपसे बहुत डरता भी हूँ और आपके सामने मैं उस तरह से बात नहीं कर पाता। एनीवे, थैंक यू सो मच आतिफ भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया आज इस वेबिनार पे, और आज मैं मेरी सक्सेस की सबसे बड़ी जो रीज़न है, जो वजह है, वो ये है कि मैंने आपको फॉलो किया, अपने लीडर को, आपने जैसे जैसे गाइड किया, आपने हमें जो जो प्लानिंग्स देते गए हम उसको फॉलो करते गए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कई मौके ऐसे आए आतिफ भाई इस एक साल के अंदर, कई ऐसे प्रॉब्लम्स आए जब मैंने ये सोचा कि यार मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरे अंदर शायद वो स्किल्स नहीं है कि मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊं, मैं यूनाइको के ये हायर रैंक्स अचीव कर सकूं, तो मुझे ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपकी ट्रेनिंग्स को याद करता था, आपके वेबिनार्स को अटेंड करता था, और मैं दोबारा से मोटिवेट हो जाता था। जितने भी लोग आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको मेरा जो मैसेज है वो यही है कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग आपका आपकी एक विल होनी चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए लाइफ में कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरा कोई गोल है, मेरा कोई ड्रीम है। विदाउट एनी टारगेट आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और विदाउट फॉलो द सिस्टम, आप सिस्टम को समझे बगैर, आप अपने बिजनेस को समझे बगैर, अपने लीडर्स को फॉलो किए बगैर भी आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आप सिस्टम को फॉलो करें, प्रेसिडेंट क्लब वेबसाइट पे हमारा जो जितना भी मटेरियल है उसको डाउनलोड करें, उसको स्टडी करें, जितने भी वेबिनार हैं हमारे, वेनेसडे का जो वेबिनार होता है वो अटेंड करें, खुद भी अटेंड करें, अपनी टीम्स को भी अटेंड करवाएं, स्पेशली सैटरडे का जो आज का हमारा वेबिनार है जो आतिफ भाई करते हैं, आप सब लोग ये वेबिनार इस तरह से अटेंड करें कि आप दुनिया के सारे काम छोड़ के इसको प्रायोरिटी दें, इस वेबिनार को अटेंड करें, अपनी टीम को वेबिनार अटेंड करवाएं। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में ले सकते हैं आप लेते जाएं, ये बिकॉज ये एक इंफॉर्मेशन का बिजनेस है। मेरी अभी तक जो सक्सेस है आतिफ भाई, उसमें एक और चीज ये भी है कि एज अ अपलाइन मैंने आपके अंदर ये क्वालिटी, ये चीज देखी कि आप जितनी ज्यादा पेन अपनी टीम के लिए लेते हैं, आप बेशक हमारे से दूर हैं, आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप यूके में हैं, लेकिन आप इतनी दूर रह के भी हर वक्त हमारे साथ होते हैं। थ्रू फोन कॉल्स आप हमें कॉल्स कर रहे होते हैं, आप हमें ईमेल्स कर रहे होते हैं, आप हमारे साथ वेबिनार्स कर रहे होते हैं, आप हमारे साथ इन टच होते हैं। ऐसे ही आप सब लोग जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि आप भी अपनी टीम के लिए जितनी पेन ले सकते हैं लें, उनको सपोर्ट करें, जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल करते हैं अपने अपलाइन से वो अपनी टीम को दें, और सिंसियर होके काम करें।
कोई भी लाइफ में, मैंने आतिफ भाई अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं आपको अभी वो डिटेल में नहीं जा सकता, मैं किन किन हालात से गुजरा हूँ, मैंने कितने कितने स्टेप लिए हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और कितनी रातें मैंने जाग के गुजारी हैं, कितने दिन मैंने रो के गुजारे हैं, वो मैं आपको नहीं बयान कर सकता यहाँ पे। और जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितनी भी पेन बर्दाश्त करेंगे, जितने भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप अपने टारगेट पे फोकस रहें, आप आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, मेहनत करते चले जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला की जात आपको रिजल्ट ना दे। जब आप एक स्ट्रांग बिलीव के साथ अपनी कंपनी पे बिलीव, अपने आप के ऊपर बिलीव, इस स्ट्रांग बिलीव के साथ जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, डेफिनेटली हर शख्स कामयाब हो सकता है। अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ, एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान जो एक बहुत ही आम सी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ही मेरा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कोई मेरे पास जो है एक्स्ट्रा स्किल भी नहीं है कि मैं ये कहूँ मेरी कोई इतनी खास वो नहीं है। अगर मैं ये रैंक अचीव कर सकता हूँ तो हर शख्स अचीव कर सकता है। मे बी आप लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सब लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप सब लोगों के पास मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, आप लोग मेरे से ज्यादा शायद एज में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। आप लोग अगर इस बिजनेस को समझ के करेंगे और इस सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे, टारगेट ओरिएंटेड होके करेंगे, तो डेफिनेटली हर शख्स कामयाब हो सकता है। Yeah, that's true. Thank you very much, Naveed. आपकी हार्ट फेल्ट आपकी जो फीलिंग्स थी उसको आपने शेयर किया हम सब लोगों के साथ. बहुत शुक्रिया. और आई विल 100% एग्री टू नवीद इस पॉइंट के ऊपर के सिस्टम को फॉलो करके और अपनी अपलाइन को फॉलो करके आप हमेशा कामयाब हो सकते हैं. बिकॉज सिस्टम को फॉलो करना और अपलाइन को फॉलो करना एक ही बात है. अगर आप अपनी अपलाइन को फॉलो करते हो तो दैट्स द सेम थिंग, बिकॉज आपकी अपलाइन अगर सिस्टम फॉलो कर रहा है तो आप अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हो, तो इट्स इक्वल टू फॉलोइंग द सिस्टम, राइट? सो इट्स द सेम थिंग. सो सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं कि डोंट री इन्वेंट द व्हील. ओके, मतलब इंग्लिश में हम यूज करते हैं उसका, उर्दू में या हिंदी में इक्वलेंट क्या है आई डोंट नो, लेकिन उसका मतलब ये बनता है कि यार एक पहिया जब इजाद हो चुका है. आपको पता है कि पहिया कैसे इजाद हुआ था फर्स्ट टाइम? पहिया तो अब हर जगह पे, गाड़ी में पहिया लगा हुआ है, टांगे में, रिक्शे में, हर जगह पहिया लगा हुआ है. आप राउंड वो पहिया घुमाते हो और मतलब वो आपके जो भी आपको सर्विस चाहिए उसे आप उस पहिये से आप हासिल करते हो. लेकिन पहिया इजाद कब हुआ था? फर्स्ट टाइम स्टोन एज के अंदर जाके फर्स्ट टाइम पहिया इजाद हुआ था. किसी ने चौरस पत्थर को घुमाने की कोशिश की, वो घुमा नहीं, उसने उसके किनारे काटे और वो राउंड होता चला गया. जितना राउंड होता चला गया उतना वो जल्दी जल्दी वो घूमता था जमीन के ऊपर. तो इस तरह पहिया इजाद हुआ. तो किसी ने आज से हजारों लाखों साल पहले पहिया इजाद कर लिया. आपको अगर पहिए की जरूरत है तो आपको पहिया इजाद करने की जरूरत नहीं है. पहिया कैसे बनता है या उसके क्या बेनिफिट है वो ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उसको फॉलो करें. ठीक है, सेम चीज हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में इस इट इज नॉट इजी. ओके, आई एम गोना यूज दिस वर्ड, इट इज डिफिकल्ट बट इट इज सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स नहीं है कि जी मुझे कोई साइंटिफिक फॉर्मूला याद करना है और पता नहीं कोई लैब के अंदर केमिस्ट्री के टेस्ट करने हैं और क्या क्या करना है और डीएनए करना है और ये करना है. ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको कॉम्प्लेक्स भैया. इट्स वेरी सिंपल सिस्टम, बट आपको सिस्टम फॉलो करना है 100%. यहाँ पे आके बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं. वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं गलती मैं आपको मैं खुद बताता हूं. मैंने जब फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा आज से 10-11 साल पहले, तो मैंने खुद ये गलती की. आई वॉज अ कंप्यूटर इंजीनियर. ठीक है, मुझे मेरे एक दोस्त ने इनवाइट किया एक प्रेजेंटेशन के लिए. वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की प्रेजेंटेशन थी. मैं गया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रेजेंटेशन देखी, मैंने ज्वाइन कर लिया. मुझे लगा कि यार ये बड़ा जबरदस्त काम हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह. उसके बाद उन साहब ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ट्रेनिंग के बुलाया और मैंने कहा ट्रेनिंग क्या मतलब ट्रेनिंग? और भाई जी मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मुझे ट्रेनिंग देना चाहते हो तो मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैंने सब कुछ किया हुआ लाइफ में. सो दैट वाज माय काइंड ऑफ एटीट्यूड एट दैट टाइम. और मैं ट्रेनिंग पे नहीं गया और मैंने सीखा नहीं कि ये बिजनेस कैसे करना है, उस बिजनेस का सिस्टम मैंने सीखा नहीं, राइट? ये कह के यार मुझे सब आता है भाई जी, मैं सारी गोलियां खेली हुई है मैंने,
मैंने मतलब गार्ड गार्ड का पानी पिया, मुझे सब चीजें पता। मैं ट्रेनिंग पे नहीं गया, सिस्टम नहीं सीखा, मैंने अपने तौर पे जो मुझे समझ आई ये बिजनेस करने की कोशिश की। 3 महीने तक टकरे मारता रहा उस बिजनेस के अंदर, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और 3 महीने बाद ऑफकोर्स ऑब्वियसली मैं सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा था, मुझे ट्रेनिंग नहीं ली, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं नाकाम, मुझे कोई खास कामयाबी नहीं हुई। और 3 महीने बाद मैंने डिसाइड कर लिया यार ये सबसे फजूल काम है दुनिया का, नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसी बातें करते हैं लोग, इसमें ये हो जाता है वो हो जाता है, इसमें कुछ कुछ नहीं होता, ऐसे ड्रामेबाजी है सारी, सब फजूल काम है। इंतहाई नेगेटिव हो चुका था इस इंडस्ट्री के बारे में, और मैं फाइनली डिसाइड, मैंने कहा आज के बाद मेरे सामने किसी बंदे ने इस कंपनी का अगर नाम लिया या इस इंडस्ट्री का अगर जिक्र भी किया, मैं उल्टा लटका दूंगा उस बंदे को। आई वॉज दैट नेगेटिव। और फिर एक दफा मेरे जो स्पॉन्सर थे उसने भी पीछा नहीं छोड़ा मेरा, मुझे इनवाइट करता रहा करता रहा करता। एक दफा उसने मुझे इनवाइट किया ट्रेनिंग के लिए, कहता यार एक और ट्रेनिंग आतिफ। मैंने कहा ट्रेनिंग जिक्र मत करो मेरे साथ इस कंपनी का। नहीं, सुनो तो सुनो यार, आतिफ एक ट्रेनिंग है और इसके अंदर मतलब पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, इस कॉल पीपल स्किल। तो आई वाज काइंड ऑफ इंट्रीग्ड बाय दैट आइडिया, बट फाइनली समहाउ आई वेंट टू दैट ट्रेनिंग, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसको सीखना चाहिए। फिर मैं फर्दर ट्रेनिंग्स में गया, मैंने सिस्टम सीखा वगैरह वगैरह वगैरह। और मतलब इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट वाज सिंपल थिंग्स कि आपको लिस्ट बनानी है, इन्वाइट करना है, ये करना है, वो करना है। और करने के बाद विद इन लाइक 2.5 साल के अरसे के अंदर मैं उस कंपनी में टॉप पोजिशन पे था, आई वॉज डायमंड कस्टमर इन दैट कंपनी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लेने की वजह से और सिस्टम फॉलो करने की वजह से। तो यही चीज जो नवीद आज बता रहे थे कि ट्रेनिंग जो है वो सिस्टम फॉलो करना और अपलाइन को फॉलो करना कितना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच नवीद, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आपकी पर्सनल बातें शेयर करने का, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने का। एंड नाउ वी गोइंग टू मूव आउट। एनीथिंग यू वांट टू से नवीद बिफोर वी क्लोज योर अकाउंट? आसिफ भाई, बिफोर आई क्लोज मैं यहाँ पे उन लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा, मेरी टीम के वो टॉप लीडर्स, उन्हीं सब लोगों में जिनको मैंने स्टार्ट में इस बिजनेस के बारे में बताया। सैकड़ों लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे नो किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपके साथ ये बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो मेरे साथ चले स्टार्ट से, जिन्होंने मेरी बातों को अंडरस्टैंड किया, जो मेरे साथ चले इस बिजनेस में, मेरे साथ दिन रात मेहनत की, मेरे साथ कदम से कदम बढ़ा के, वो आज वो सब लोग भी सक्सेसफुल हैं। मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा, उनको थैंक यू भी कहना चाहूंगा कि वो लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला नाम जो है मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त मिस्टर आमिर, जो इस वक्त यूनाइको में एग्जेक्टिव है, मिस्टर अनवर, ही इज नाउ एग्जेक्टिव, मिस्टर यूसुफ, जिनकी बहुत ज्यादा मेहनत है माशाल्लाह। आज ही उन्होंने आतिफ भाई सीनियर एग्जेक्टिव का रैंक अचीव किया है, उनको मैं वाह कंग्रेचुलेट कहना चाहूंगा कि उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव का रैंक अचीव किया। और आतिफ भाई अपनी डायरेक्टर रैंक की अचीवमेंट से ज्यादा मुझे आतिफ भाई इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि इस वीक में माशाल्लाह मेरी टीम में 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने रैंक अचीव किए हैं और उन्होंने हाईएस्ट बोनसेस लिए हैं। नाइस, और मेरी ये दुआ है, मेरी ये विश है कि मेरी टीम के सब लोग जो हैं, जितने भी लीडर्स हैं जो मेरे साथ चलते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं और मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे और वो सब के सब जो उनके टारगेट्स हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, वो अचीव करें और इसी तरह से वो सक्सेसफुल होते रहें अपनी लाइफ में और यूनाइको में। गुड, थैंक यू वेरी मच नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी आज हमारे साथ एक और हमारे स्पेशल लीडर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आप उनको जानते हो, उनके साथ आपकी मुलाकात हो चुकी है, उनसे आपने ट्रेनिंग ली हुई है, तो उनको स्पेशली मैंने इनवाइट किया है आज इस वेबिनार के ऊपर आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए। ही विल स्पीक इन इंग्लिश एंड आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट, एंड हिज नेम इज मिस्टर इवान क्राइचेरिक। इवान, कैन यू हेयर मी? Hello everybody, I'm here. Hello everybody around the world in Ivan, Asia. I will try to translate you in Urdu, okay? So you can say one sentence at a time and I will translate for you. You can try, okay. Okay, hello everybody around the world now in this year, because I think nobody heard me in this year in 2012. इवन कह रहे हैं सब लोगों को हेलो, दुनिया में जहां से भी आप सुन रहे हैं, इस साल आपकी शायद, इस साल जो 2011 भी शुरू हुआ, एक्चुअली कुछ ही हफ्ते पहले, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी होगी, तो ये पहली दफा है मैं आपके सब लोगों के साथ बोल रहा हूँ इस साल का, तो इसलिए आपको नया साल भी मुबारक हो।
I'm very proud of all team and President Club, because when I seen a result this morning, and my eyes very big, because this is a big result after I think after 1 year when I went for first time. या इवान इवान कह रहे हैं कि मैं बहुत प्राउड हूँ, बहुत फखर फील कर रहा हूँ हमारे जो प्रेसिडेंट क्लब टीम है पूरी दुनिया में, क्योंकि आज सुबह जब मैंने रिजल्ट्स देखे अपने अकाउंट खोल के और सेल्स का लेवल देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई, और सेल्स की वॉल्यूम देखते हुए क्योंकि पिछले एक साल से जब से हमने काम शुरू किया है आज आप बहुत अच्छे कर रहे हैं. I'm very proud of Pakistan team because I think this is my because the 1 year ago I first time when I went Pakistan, this is my first training in the English language. This was very hard for me. इवन कह रहे हैं खास तौर पे वो पाकिस्तान की जो हमारी टीम है उसके उसको देख के बहुत फख्र फील करते हैं कि वो इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और इस चीज को वो याद करते हैं कि एक साल पहले एग्जैक्टली पिछले साल फरवरी में जब वो पाकिस्तान पहली दफा गए थे तो उन्होंने जो ट्रेनिंग की थी वो जिंदगी की उनकी पहली ट्रेनिंग थी जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में की थी, क्योंकि उससे पहले वो यूरोप में बिजनेस बिल्ड करते थे और अपने ही लैंग्वेज में सुलवार चेक लैंग्वेज में बात करते थे. This is fantastic result. Congratulations, Navid, the director. This is fantastic. Navid translate me in the last leadership training, and I think who translate me very quickly will become director. इवान नवीद को कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं कि वो डायरेक्टर रैंक अचीव किया है. लास्ट टाइम अभी कुछ ही एक दो महीने पहले ही इवान पाकिस्तान में गए थे एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग करने के लिए हमारे स्पेशल लीडर्स के लिए, और नवीद ने इवान के लिए ट्रांसलेशन की थी, और इवान कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी ट्रांसलेशन की, इतना अच्छा उनको समझ आया कि वो आज डायरेक्टर बन गए माशाल्लाह, और कोई भी बंदा जो इवान की ट्रांसलेशन करेगा वो जल्दी से डायरेक्टर बन जाएगा. And congratulations on senior director on Yasin Kahoud and Farhad Mirzai. This is a big, I think this is big result, because two Rolex watch and one Rolex in one hand, the second in two hands. This is a very good look. इवन कह रहे हैं कि यासीन कहूट और फरद मिर्जा को भी कंग्रेचुलेशन पेश कर रहे हैं कि जो सीनियर डायरेक्टर बने उनको दो दो रोलेक्स वॉचेस मिलेंगी, एक डायरेक्टर की और एक सीनियर डायरेक्टर रैंक की, और एक एक हाथ में दूसरे दूसरे हाथ में, तो बहुत जबरदस्त लगेगा. And I think this is a very great time, because this is finished the first phase on UNICO, I think. And when I've seen. Sorry, say that again, Ivan. Sorry, I think this time is very important for everybody, because this is we have only 3 days, only 4 days, 3 days. When yeah. Finish OFC, and this is the finish first pass in UNICO, I think. या इवन कह रहे हैं कि अभी जो आने वाले दो तीन चार दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओएफसीज के जो प्रमोशन है वो कंप्लीट होने वाली है, खत्म होने वाली है ऑफ कोर्स, तो आप सब लोगों के पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सब कुछ कर सकें. And I think 1st February we will start a new phase in UNICO CYTOLG. I think this phase will be very successful, because every leaders who signed in now in UNICO CYTOLG in owner this company. And I think every leaders will very hard work, because this is our company. Yes, I think understand everybody what this yeah. mean. Yeah. इवन कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में जितने लोग भी साइन अप कर रहे होंगे उनको ओएफसीज मिलेंगे, तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं, और ये सब लोग और ज्यादा काम करेंगे आगे चल के, क्योंकि आप अपनी कंपनी की तक सक्सेस और ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यू साइटोक 2.0, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल वर्क, एंड आई थिंक आदम बारे दिस इज बिग गाय, And this, and with this guy, we will have a big future. इवान कह रहे हैं कि वो साइटोक 2.0 जो कि लॉन्च होने वाली है अप्रैल में, उसको लेके बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि एड्रियन बैरेट जो कि उस कंपनी का मालिक है जो इस साइटोक 2.0 को डेवलप कर रही है इस वक्त, और उसका बहुत बड़ा प्रोफाइल है, नहीं वो बहुत एक्साइटेड है इस साइटोक 2.0 को डेवलप करने. Everybody waiting new CYTOLG in here in Europe, because here is in Europe everybody in the sign in Facebook, and yeah, everybody wants to, and everybody find new opportunity. I think we will have CYTOLG will be new opportunity community, and market haven't this this social media.
साइट्रक 2.0 की डेवलपमेंट को लेके यूरोप में सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये एक जबरदस्त कम्युनिटी, ये सिर्फ सोशल कम्युनिटी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी है, और इस वक्त पूरी दुनिया में, खासतौर पर यूरोप में, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हो. And this is a big challenge for everybody because the situation here in Europe is very bad. I think everybody read some news about crisis, but for us this is big opportunity because everybody will find new opportunity, and we are in here, and Cytalk is here, and I think everybody understand this big opportunity for everybody. इवन कह रहे हैं कि ये आप सब लोगों ने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि यूरोप को लेके और यूरो के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, सारी यूरोप की कंट्रीज बहुत क्राइसिस में चल रही हैं सब फाइनेंशियली. तो यूरोप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त साइटॉक जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, तो पूरे के पूरे जो यूरोप के लोग हैं उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी. But this is big time because 1st February, this is not only finished first phase of UNICO, but start new company, and this company open India. Yes, this is big market, this is big opportunity for everybody. इवन कह रहे हैं कि जो OFCs का आपको प्रमोशन खत्म हो रहा है इस जनवरी के एंड पे, फरवरी से समझे कि हमारा बिजनेस जो है एक नया रुख ले रहा है, एक नई जहत में जा रहा है, एक नया उसका लेवल शुरू हो रहा है, और खास रूप से आप देख रहे हैं कि इंडिया लॉन्च कर रही है कंपनी फरवरी के अंदर. And I'm proud of our team in India, exactly Mahmoud and Gagan and many new people what I met in India. I think India will be have a huge business in UNICO because UNICO focus on now only on India. इवन कह रहे हैं कि इंडिया में जिन लीडर से इवन की मुलाकात हुई है, महमूद है, गगन है और काफी सारे लोग हैं, सतीश वगैरह, तो वो समझते हैं कि ये सब लीडर्स लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इंडिया में, बिकॉज इस वक्त कंपनी का सारे का सारा फोकस इंडिया पे रहेगा, बिकॉज ऑफ नई मार्केट लॉन्च हो रही है और दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से. Yes, I'm I'm very excited about new UNICO packages. I think we will have new information next week, and with Ati we will have a plan a new trainings and February and March in Pakistan and India and every countries. इवन कह रहे हैं कि नए पैकेजेस और नए प्रमोशन को लेके वो बहुत एक्साइटेड हैं, और उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन अगले हफ्ते तक हमारे पास आ जाएगी, और इवन कह रहे हैं कि वो आतिफ के साथ मिलके प्लान करेंगे, ट्रेनिंग्स डिजाइन करेंगे, और फरवरी और मार्च के टाइम के अंदर हम ये ट्रेनिंग्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज में पहुंचा सकते हैं अपने मेंबर्स के लिए. I'm very excited for everything now in UNICO because everything new and every changes. I love changes, yes. And if we have a changes, we are live. इवन कह रहे हैं कि ये चेंजेस जो आ रही हैं इसको लेके इवन बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं कंपनी ग्रोथ के हवाले से, और चेंजेस इस चीज का भी निशान है कि हम जिंदा हैं, हम लाइव हैं, और दैट व्हाट्स चेंज इज ऑल अबाउट. I think this is everything for me now, and we will see some trainings in India and Pakistan, maybe Bangladesh, I don't know how we will have plan in Egypt and any countries, and maybe in Slovakia, yes, here in Czech Republic. Thank इवन you का very प्लान much है for all. अगले एक दो महीने में इन सारी कंट्रीज में जिनका इन्होंने नाम लिया ट्रेनिंग्स टूर करने का, ताकि हम लोगों से मिल सकें और फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, एंड थैंक यू इवन फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद अस. नाउ आई एम गोइंग टू म्यूट यू. देयर इज एन इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए कि इंडिया तो लॉन्च हो रहा है फरवरी में, एंड देयर इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन दैट रशिया इज ऑल्सो इज बींग लॉन्च इन द फरवरी मंथ. सो इंडिया एंड रशिया टू बिग मार्केट्स आर बींग लॉन्च इन द मंथ ऑफ फरवरी. सो इसके अलावा एक और न्यूज आप सब लोगों के लिए, एक स्पेशल न्यूज, और दैट वॉज अ लास्ट मिनट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वेबिनार शुरू करने से थोड़ा ही पहले, कि हमारे पास एक और सीनियर डायरेक्टर भी मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली सीनियर डायरेक्टर का रैंक अचीव किया है, मिस्टर अब्दुल कादिर. और अब्दुल कादिर आप लोग, आपको ढेरों मुबारक हो और कंग्रेचुलेशंस हम सब लोगों की तरफ से
प्रेसिडेंट क्लब टीम की तरफ से, और अब्दुल कादर को हम स्पेशली इनवाइट करेंगे नेक्स्ट वीक में उनके स्पेशल इंटरव्यू के लिए। सो उस वक्त तक के लिए आप सब लोगों को वेट करना पड़ेगा कि अब्दुल कादर की सक्सेस स्टोरी आप सुने दोबारा से, कि उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी अचीवमेंट किस तरह से हासिल की। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन अब्दुल कादर ऑन अचीविंग यूनाइको सीनियर डायरेक्टर रैंक। बिफोर आई क्लोज टुडेज वेबिनार, जस्ट क्विक इन्फॉर्मेशन अपडेट्स नेक्स्ट इवेंट्स। मार्च में हम लोग एग्जेक्टिव एंड अबव का ट्रिप अरेंज कर रहे हैं 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज कि आपको एग्जेक्टिव रैंक अचीव करना जरूरी है उसके लिए। अगर आप एग्जेक्टिव हो या फर्स्ट फरवरी से पहले 31 जनवरी तक, इस महीने के आखिर तक, अगले 3 दिन में एग्जेक्टिव बन जाओगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हो इस ट्रिप के लिए। डेडलाइन फॉर द इंफॉर्मेशन इज 31 जनवरी। सो काइंडली अपने ऑफलाइन लीडर से रब्ता कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो दुबई ट्रिप में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। इस ट्रिप में हमारे पास तकरीबन 10 से ज्यादा कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अबव मेंबर्स आ रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग यूरोप से और एशिया से और मिडल ईस्ट से लोग शामिल होंगे। सो प्लीज कॉन्टेक्ट योर ऑफलाइन लीडर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अप्रैल में हमारा ग्लोबल कन्वेंशन हो रहा है मलेशिया में, जिसके अंदर हमारे जितने भी लीडर्स जिन्होंने के डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर रैंक अचीव किए हैं उनको रोलेक्स वॉचेस मिलेंगी। आप में से जो लोग वाइस प्रेसिडेंट रैंक अचीव करेंगे उनको 100,000 यूरो के चेक्स मिलेंगे और प्रेसिडेंट्स को उनके विला मिलेंगे। और उसके अलावा नई इन्फॉर्मेशन, न्यू लॉन्चेस, साइटुक 2.0, साइटुक डील्स और बहुत सारी चीजें। और इट्स गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन आवर हिस्ट्री, बिकॉज इस इवेंट से हम अपने कंपनी की डेवलपमेंट के नेक्स्ट फेज में दाखिल हो जाएंगे साइटुक 2.0 को लेके। जून में डायरेक्टर्स एंड अबव का क्रूज ट्रिप हो रहा है। दिस इज लग्जरी क्रूज ट्रिप गिवन बाय द कंपनी उन सब लोगों के लिए जो कि 29 फरवरी तक इस साल, अगले अभी एक महीना आपके पास और है, 29 फरवरी तक जो डायरेक्टर एंड अबव का रैंक अचीव कर लेंगे वो इनवाइटेड होंगे कंपनी की तरफ से इस क्रूज ट्रिप में जाने के लिए, जो कि सिंगापुर से रवाना होगी और कुआलालंपुर से और पेनांग से होते हुए फुकेट और वापस फुकेट से सिंगापुर तक आपको लेके आएगी। ये 5 डेज की जो, 6 डेज की, 5 नाइट्स की जो क्रूज है, दैट्स अ स्पेशल इंसेंटिव ओनली फॉर डायरेक्टर्स एंड अबव। अगर आप डायरेक्टर नहीं हो, you cannot buy a ticket to go into that cruise with Unico because this is exclusive for Unico directors. So that's an update so far. And once again, thank you very much for coming on to this webinar today. Next week, isi time pe, isi webinar link ke saath, hum log dobara milenge with further updates. Next week tak hume clear information mil chuki hogi, humare jo naye packages aa rahe hain 1st of February se. और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले आपको अपने लीडर्स के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सो अंटिल नेक्स्ट वीक, आप सब लोगों को खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आई शैल सी यू ऑन सुपर सैटरडे वेबिनार नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। दिस इज आतिफ कामरान एंड आई एम साइनिंग आउट। The organizer has ended the session and this call will be disconnected. Goodbye.